ग्रीटिंग्स हरे कृष्णा। पांच टॉपिक हैं सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें, ठीक है। हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट, 1, 2, 3, और एक लेंगे अगर लगा तो, ठीक है। तो फोर्थ ऑब्जेक्ट हमने साइड में रखा है। शुरुआत करते हैं टैरो से एंड उसे क्लैरिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ओरेकल, ओके। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। बाद में देखेंगे लव मैसेजेस एज वेल। तो शुरुआत करते हैं, जैसे पहले टैरो से करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलें, जो सेकंड चैनल है हमारा डिवाइन व्हील 222, उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। लेट्स सी ना सुबह सुबह की उनकी क्या दिल की बातें हमें नजर आती हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम समझ पाते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड मोर बेटर थ्रू द टैरो, ठीक है। चलो देखते हैं। ओके चलो, ये फर्स्ट कार्ड आ गया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस, ओके। फिर आ गया है टेन ऑफ रॉड्स, ओके, यानी कि भाई एरीज, लियो, सैच, द लवर्स, जेमिनी, ओके। फिर आ गया है द स्ट्रेंथ, लियो का साइन, सेवन ऑफ रॉड्स एंड एट ऑफ कप्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। एक दो कार्ड हम और लेते हैं, फाइव ऑफ रॉड्स, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आ गया है थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड फाइनल जो आ गया है वो है द डेविल, ठीक है। इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे। तो टोटल कितने कार्ड्स आ गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कार्ड्स आ गए हैं। तो 9 कार्ड्स के लिए हम लेते हैं इस रिलेशनशिप ओरेकल से 9 कार्ड्स, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स बैठते हैं क्या, वरना हम फिर सिंगल सिंगल निकालेंगे कार्ड्स, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के लिए देखते हैं, यस। टेन ऑफ रॉड्स के लिए देखते हैं, यस। द लवर्स के लिए देखते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ के लिए देखते हैं, फिर सेवन ऑफ रॉड्स के लिए देखते हैं, ओके। एट ऑफ कप्स के लिए देखते हैं, फाइव ऑफ रॉड्स के लिए देखते हैं, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड फाइनली द डेविल, ओके। सारे कार्ड्स ने ले लिए हैं यहाँ पे, बहुत से कार्ड्स आ रहे हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो पहला जो कार्ड है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स की, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक इस पर्सन के दिल में जो बात है कि भाई मुझे तो अपनी बात खुल के कहनी है, ठीक है। अब जो भी आप इसका मतलब समझे, कई बार हमें लगता है कि भाई जो भी उनके दिल में है उन्होंने साफ साफ बोल देना चाहिए, मतलब मे बी वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, या फिर इनफैक्ट लड़ना भी चाहते हैं, है ना। बिकॉज अगर वो अपने आप को क्लियर करे तो आपको काफ़ी सही लगेगा कि चलो भाई ये तो बात है जो उनके दिल में है। एंड बेसिकली सॉर्ट्स का कार्ड है तो हाँ कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, बट ये एयर साइन होता है, मतलब कई बार अगर गुस्सा है भी तो वो बस जज्बात में बह जाता है, बस उन्होंने बोल दिया, बात ख़त्म, वापस से नॉर्मल ट्रैक में आ गए। उसी को अगर हम क्लियरिफाई करते हैं तो ये है आई नो आई कैन, यस। इनको पता है कि हाँ मैं बात कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ी सी हिम्मत लाने की ज़रूरत है। तो शायद ऐसी कोई बात है जो आपसे करना चाहते हैं, बट आपका रिएक्शन क्या होगा इनको बेसिकली नहीं पता। सेकंड जो कार्ड टेन ऑफ रॉड्स, ओके, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी। इसको अगर हम देखते हैं तो भाई यहाँ पे इस पर्सन के हिसाब से क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर जिस तरीका अगर आपको लग रहा है कि भाई अब पहले जैसे क्यों बात नहीं करते, या फिर क्या ऐसा हो गया है कि थोड़ा समय जो है वो कम देते, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अभी ले लिए उन्होंने अपने कंधे पे, तो मे बी उसके लिए कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। फैमिली मैटर हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं पर उन्होंने अपना जो ध्यान है वो कहीं पर डाइवर्ट कर दिया है, और उसका जो हमें क्लेरिफिकेशन मिला है वो है बू। आपको शायद लग रहा है कि आपको डरा रहा है कि अब शायद वो ऐसे ही बिहेव करेंगे, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो समय है वो थोड़ा सा रॉकी पैच है, बस आपको उस समय को जाने देना है। दोबारा से आपको ये पर्सन अलग नज़रिए से नज़र आएगा, बस करंट सिचुएशन जो है उसके हिसाब से इस पर्सन को वैसे ही बिहेव करना है जैसे कि ये बिहेव कर रहा है। थर्ड जो कार्ड हमें मिला है वो है द लवर्स, यस, चार्मिंग साइन एंड जेमिनी का फोर्टे। यहाँ पे भाई देखो ये पर्सन आपसे प्यार तो करता है, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है, बट अगेन क्वेश्चन आते हैं फिर क्यों अपना प्यार कन्फेस नहीं करता, और कोई अगर प्यार कन्फेस कर भी चुका है तो अभी क्यों दूर चला गया है, ठीक है। वो क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं लिटरली। अब क्यों आ रहे हैं, बिकॉज देखो यू आर सो क्यूट, दैट इज़ द वन थिंग, ये आपको बहुत ही प्यारा मानते हैं, दैट इज़ द वन थिंग। बट यहाँ पे क्या है ना कि जैसे ही वो आपकी तरफ बढ़ते हैं कुछ ना कुछ कनेक्शंस उनको महसूस होते हैं, ठीक है, तो वो उनको भी अकेला नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल उनका जॉब हो गया, फिर बाकी के लोग हो गए, उनके फ्रेंड्स हो गए,
तो जो ध्यान है उनका, कभी मुझे अपने फ्रेंड्स की तरफ भी ध्यान देना है या फिर अपने जो काम है उनकी तरफ ध्यान देना है। सडनली कोई प्रोजेक्ट आ सकता है या फिर सडनली कोई चीज़ है जिसकी तरफ इनको ध्यान देना पड़ सकता है, बट हाँ आपकी तरफ उनका लगाव झुकाव है जो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। वी गॉट द स्ट्रेंथ कार्ड। बेसिकली ये तब आता है जब रिश्ते में थोड़ी सी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है कि भाई थोड़ा सा लड़खड़ा रहें, थोड़ा सा मजबूती से रहें एंड चीज़ें अपने आप सवर जाएंगी। ये क्यों आ रहा है यहाँ पे? बिकॉज लेटिंग गो इज़ द बेस्ट। ठीक है, मे बी अगर आप ऐसे किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो जिसने आपको हर्ट किया है और अब क्या करें उसके बारे में ये आपको नहीं पता, मतलब कहीं ना कहीं अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो फिर व्हाट डू यू डू? यू नो, देखो, क्या आप इस पर्सन को जानने दे सकते हो या फिर क्या आप इस पर्सन को माफ़ कर सकते हो? अगर आपने उनकी कही हुई बात को माफ़ कर दिया, चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी। लेटिंग गो इज़ द बेस्ट, जो हुआ उसे भूल जाओ। एंड सेकेंड जो बात है कि मे बी अगर कोई पर्सन दूर चला गया है जिसको सिर्फ आप, जो आपका क्रश था, फिर जब वन साइडेड था तो आपको वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। ये जिसको कनेक्ट होगा उसी को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वी गॉट दिस वन जो कि सेवन ऑफ रॉड्स एरीज लियो साज। देखो ये कोशिश तो बहुत कर रहा है बट हमें यहाँ पे किस्मत का फेरा दिख रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं किस्मत जो है वो शायद अभी इस वक्त आपको साथ में नहीं ला पा रही है, तो वो एक इशू है यहाँ पे। अगर आप किस्मत को ब्लेम करना चाहते हो कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं हमारे कर्म भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड उसके जवाब हमें क्या कार्ड मिला है? ये है, हा हा वेरी फनी। ओके, आई थिंक आप दोनों में से कोई इस बात को नहीं मानता कि किस्मत के कारण ऐसा हो रहा है और इसलिए शायद आप फनी जोक्स क्रैक कर रहे हैं। बट इशू ये है कि कई बार चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती और इसीलिए जो जैसा है हम उसे वैसे नहीं एक्सेप्ट करते और वो चीज़ फिर हमें तकलीफ देती है। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस। देखो भाई, किसी कारण से कोई पर्सन जो है वो खफा हो गया है या फिर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है। देखो, बातचीत तो हर कोई करता है बट एग्जैक्टली क्या बात करनी है या फिर कैसे किसी को समझाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही समय पे अगर हमें सही बात नहीं मिली तो कई बार हम रूट भी जाते हैं और कई कनेक्शन ऐसे हैं जो फिर ज़िंदगी भर बात नहीं करते बिकॉज एक गलती के कारण, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें दिखती है, उसके बारे में हमें क्या दिख रहा है, ये कार्ड। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मे बी कोई पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन के इस भावना को समझ में ही नहीं ले पा रहा है। मे बी ये जो पर्सन है वो शायद किसी सिचुएशन में अटक गया है और आपको शायद लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मे बी इस पर्सन को एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो सकता है या फिर चीज़ों को बहुत सीरियसली ले रहा है और आप चीज़ों को बहुत ही लाइटली ले रहे हो। तो जहाँ पे ये एक्सट्रीम जाते हैं आप बिल्कुल उसके उल्टे होते हैं, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। वी गॉट दिस वन जो कि है फाइव ऑफ रॉड्स एरीज लियो साज। उसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये पर्सन है जो कह रहा है कि भाई मुझे तो कोशिश करते ही रहनी है बट कहीं ना कहीं ये अपने फ्रेंड्स के ऊपर, फैमिली के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा, फिर इनफैक्ट आपके भी फ्रेंड इनको अपोज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। देखो ये तो कोशिश कर रहे हैं बट बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इनका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे क्या क्लैरिफिकेशन आ गया है, आई एम गोना गेट यू दिस टाइम। ये हर बार कोशिश करते हैं बट कोई ना कोई इशू बीच में आ जाता है। ठीक है, एंड बिकॉज कोई फ्रेंड बीच में आ गया, फैमिली बीच में आ गई, तो उसमें वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, तो यहाँ पे वो क्लैरिफिकेशन आता है। थ्री ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है जहाँ पे भी किसको लग रहा है कि भाई अब सब कुछ ख़त्म या क्लियर हो चुका है। देखो ये कहीं पे भी कुछ ख़त्म या क्लियर नहीं हो चुका है बट हाँ यहाँ पे दिल को चोट ज़रूर लगी है। शायद आपने इनको कुछ कहा या फिर थोड़ी सी या बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इनको क्या लग रहा है, यू आर सो क्यूट, कि कोई तो है जो अभी आपके साथ है या फिर आपको लग रहा है कि कोई तो है जो इनके साथ है। हालांकि ऐसा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है बट कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, बिल्कुल वही चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। फाइनली जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे आज सुबह के लिए वो है द डेविल। ठीक है, देखो भाई ये पर्सन लिटरली आपके बारे में पजेसिव होना चाहता है एंड वो पॉजिटिव होता भी है, बट उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होगा इनको नहीं पता। और मे बी रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, सो यू थिंक आई एम फनी, मे बी आपको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव पॉजिटिव होते हैं, बट ऐसा नहीं है, शायद ये उनका प्यार करने का ही एक तरीका हो सकता है। ठीक, लेट्स नाउ कनेक्ट टू द अदर ओरैकल। ठीक है, फिर हम देखते हैं दूसरी ओरैकल यानी कि भाई लव मैसेजेस क्या आते हैं। लेट्स गो टू इट, चलो करते हैं शफलिंग। यस,
आई लव योर अंडरस्टैंडिंग नेचर। देखो ये पर्सन जो है वो आपसे अंडरस्टैंडिंग के बारे में एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे अंडरस्टैंड करोगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे आप उनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करोगे। यू आर ऑनेस्ट विथ मी, जो हमने देखा ना पीडब्ल्यू के टाइम पे या फिर थ्री ऑफ सॉर्ड्स के टाइम पे, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भी कुछ तो गड़बड़ है, तो इनको लग रहा है कि आप हमेशा इनके साथ ऑनेस्टी रहोगे एंड आपकी ऑनेस्टी के ऊपर ही आपके ऊपर फिदा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देते हैं, आई लव यू बिकॉज यू आर जेनरस। देखो इनको आप क्यों पसंद हो, बिकॉज ऑफ वेरी जेनरस, जो भी आपके दिल में आता है आप डायरेक्टली बोल देते हो और आपका जो लिटरल स्वभाव है उनके सामने रहता है, ठीक है, ये एक चीज़ काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, आई लव यू बिकॉज यू एनकरेज मी। तो अगर आप इस पर्सन को इंकरेज करते हो, सपोर्ट करते हो, इससे बड़ी चीज़ कोई हो नहीं सकती। दो तीन कार्ड देखते हैं लाइफ नेविगेटर से क्या आते हैं आज के लिए। देखो ये है इंस्पिरेशन, इस पर्सन के लिए इंस्पिरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। ओके, मे बी अभी कभी किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, या फिर अगर आपको इसका कमबैक चाहिए रिश्ते में तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा इस पर्सन को, लाइटिंग द डार्कनेस। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं रिश्ते की, कहीं ना कहीं अगर कुछ इश्यूज आ गए हैं तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो है वो इनको 100% सपोर्ट करोगे, या फिर अगर उसने गलती की भी है लेकिन अगर आप गलती मान रहे हैं तो आप इसको एक मौका देके देख सकते हो, हालांकि कम्प्लीटली चॉइस आपकी होगी। स्टिलनेस, किसी किसी रिलेशनशिप में स्टिलनेस आ सकता है, मतलब आप दोनों को शायद नहीं पता एग्जैक्टली कि अब करें तो करेगा, बट आप दोनों ना तो मूव ऑन हो रहे हो ना ही रिश्ते में कम बैक कर रहे हो, ठीक है। ये था आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।